यार आज मैं फिर लेट उठा हूँ। पता नहीं गाइज मेरे को क्या हो गया है, पिछले यार 2 दिन से मैं डेली लेट उठ रहा हूँ। लेकिन गाइज ये जो गन मेरे हाथ में ना, सच में यार ये काफी भारी है। लेकिन गाइज ये गन ना काफी ओपी है, रुको मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। ये लो भाई काफी ओपी गन है यार। माइकल ने गाइज ये मेरे को गन दिया है, बोला है कि इससे तो थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। तो गाइज चलो अब चलते हैं भाई प्रैक्टिस करने के लिए। यार अगर मैं जल्दी उठ जाऊँ ना तो गाइज प्रैक्टिस भी एकदम सही से कर लूँ। और जो आपके बच्चे गुस्सा है क्या गाइज, पिछले 2 दिन से ये भी मेरे से गुस्सा हो रखा है। पिछले 2 दिन से यार मैं लेट भी उठ रहा हूँ और पिछले 2 दिन से भाई चॉप मेरे से गुस्सा है क्योंकि भाई ना लेट उठ रहा हूँ। चलो गाइस अपनी प्रैक्टिस के लिए चलते हैं छत पे। और ये लो चढ़ जा बहुत ही बढ़िया भाई चढ़ गया। सच में गाइस काफी मुश्किल है यार, अपने यार यहाँ पे नीचे यार जीने लगाने पड़ेंगे जिससे कि मैं काफी आसानी से ऊपर चढ़ सकूँ। और ये देखो गाइस अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ प्रैक्टिस। ये जो गाइस आप रेड रेड देख रहे हो ना, मेरे को एकदम सही सलामत भाई निशाना लगाना है इन पे और मेरी प्रैक्टिस एकदम सही हो जाएगी गन चलाने की। बहुत बढ़िया यार, ओपी गन तो है लेकिन भाई काफी भारी गन है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं गाइस, इसे मैं चला लूंगा और अपनी प्रैक्टिस पूरी जम के करूंगा। माइकल ने बताया था कि दिन में पूरे 1 घंटे तो मेरे को यार प्रैक्टिस करनी है ही। लेकिन कोई दिक्कत नहीं गाइस, हम आधे घंटे प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इतनी धूप में कहां मेरे से प्रैक्टिस हो रही है भाई। हो गई गाइस अपनी प्रैक्टिस जितनी होनी थी। लेकिन ये सिंचन का बच्चा कहां है भाई, सुबह से मेरे को दिखा नहीं। और यार मेरे को चाय पीने का भी काफी मन कर रहा है। ओए सिंचन भाई कहां है तू, लगता है सिंचन अपने दोस्त के घर गया होगा। एक सेकंड भाई, पेड़ के पास तो सिंचन है। ओए सिंचन भाई यहाँ क्या कर रहे है? अरे फिंगल भाई यहाँ मत आओ यार, यहाँ मत आओ। अबे क्या बात हो गई सिंचन, एक सेकंड भाई ये कौन है? अरे वही तो दिख रहा हूँ फिंगल भाई, ये बंदा कौन है यार? तुम्हें पता है जब मैं उठा ना फिंगल भैया तो यार यहाँ पे ये पड़ा हुआ था जब से। सिंचन इसके ये खून है क्या? और क्या फिंगल भैया तुम्हें क्या दिख रहा है? लगता है सिंचन कोई पेंट वगैरह। रुक सिंचन मैं ना भाई पुलिस को कॉल करता हूँ। अरे कर जल्दी करो फिंगल भैया, पता नहीं इस बंदी को किसने मार दिया। अभी रुक सिंचन मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। पहले सब लोग मुझे बोल कि मुझे चलना नहीं आता और अब मैंने अपनी चाल इतनी मस्त कर लिया ना, सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा चलता हूँ मैं, ऐसे ही चलता रहूंगा। हेलो मैम कैसे हो आप? लगता है इन्होंने सीट से ऊपर कर रखे, इनको मेरी आवाज नहीं जाएगी। अरे ये तो सिंचन है। हेलो सिंचन भैया। अरे यार इधर मत आओ यार, टकले अंकल नीचे देखो क्या है। अरे बच्चे क्या है यहाँ पे, ये बंदा है और क्या है? अरे दिख नहीं रहा यार ये बंदे को क्या हो गया, लगता है कि इससे किसी ने बहुत बेरहमी तरीके से मारा है। चलो प्रैंकल से बात ही कर लेते हैं। प्रैंकल भाई जल्दी आ भाई, पिज्जा के ऑर्डर कितने आ चुके हैं, जाना नहीं है काम पे भाई जल्दी आ। अरे यार ये क्यों आ गया मेरे घर पे, आज तो मेरा मन ही नहीं था काम पे जाने का। हेलो टकले भाई आज मैं नहीं जा रहा भाई काम पे। अरे फ्रैंकिल आज बिल्कुल मना मत कर भाई, आज पिज्जा के बहुत ज्यादा ऑर्डर आए, जल्दी दुकान के पास और भाई वहाँ से पिज्जा उठा के ना सब लोगों के घर पे पिज्जा दे क्या। अरे यार पर भाई आज मेरे को एक केस सॉल्व करना है, पता नहीं यहाँ पे गाइस ये कौन बंदा है जिसको यार किसी ने रात को यहाँ पे मार दिया। अरे फ्रैंकिल भैया यार मैं क्या कह रहा हूँ, तुम जाओ यार, बेफिक्र होगी तुमने पुलिस वाले को कॉल करा। हाँ सिंचन मैंने पुलिस वाले को कॉल तो कर दिया, अब सिंचन भाई मैं काम पे जाऊंगा, पुलिस वाला आएगा फिर तू बात कर लेगा। और क्या फ्रैंकिल भैया पुलिस वाले से मैं बात कर लूंगा, जो पुलिस वाला पूछेगा ना सब कुछ मैं बता दूंगा, तुम जाओ बेफिक्र होके काम पे। अरे सेट यार चलो कोई नहीं गाइस, फटाफट से जाता हूँ और सारे पिज्जा की डिलीवरी करके आ जाता हूँ। और यार ये जो सटर है ना मेरे गैराज का, इसमें जंग लग चुका है, इसके अंदर ही मेरी बाइक खड़ी हुई है पिज्जा वाली जिससे मैं पिज्जा डिलीवर करता हूँ। अब इसको खोलना पड़ेगा, काफी टाइम लग जाएगा खोलने में। तो लो तो गाइस ये सटर भी हमने ओपन कर दिया। टकले तू क्या कह रहा था मैं सटर ओपन नहीं कर पाऊंगा? अरे फ्रैंकिल भाई तू आज की भाई मजाक में मत ले, आज भाई बहुत सारे पिज्जा के ऑर्डर आ रखे हैं, जल्दी जाके भाई डिलीवर करके आ जा, काफी पैसा कमा लेगा। अच्छे ऐसी बातें तो गाइस चलना चाहिए यार मेरे को, खाली पीली में लेट करो। ले भाई मैं भी बैठ जाऊं क्या? अबे तू कहां बैठेगा, वैसी बाइक पे जगह नहीं है, पता नहीं कहां बैठने की बात कर रहा है। गाइस मेरे को ना जल्दी जाना होगा और भाई सारे पिज्जा यार डिलीवर करके आने हैं। उसके बाद गाइस देखो तो सही है हमारे घर के सामने भाई ये कौन बंदा है जिसको गाइस किसी ने भाई गरीब बेरहमी तरीके से मारा है, जल्दी जाना पड़ेगा और सारे पिज्जा फटाफट से यार डिलीवर करके आ जाता हूं। पूरे लॉस एंटोस में चैलेंज दे सकता हूं मैं, मेरी जितनी ओपी कार कभी भी किसी के पास हो ही नहीं सकती। पुलिस वाले कह रहे थे कि भाई पुलिस की गाड़ी चलाएगा, लेकिन मैं क्यों चलाऊं पुलिस की गाड़ी, मैं तो अपनी खुद की कार चलाऊंगा, बहुत महंगी कार जो खरीदी है मैंने, चमचमाती कार है मेरी। लेकिन उस बंदे ने कहीं से कॉल करा था पता नहीं, एक सेकंड ये कौन है? अरे कहीं यही तो वो बंदा नहीं है जिसकी अभी मेरे को फोन आई थी? अरे बाप रे इसको तो बड़ी बेरहमी तरीके से मारा गया है। अरे रे क्या मुंह पे कितने दाग वाग आ चुके हैं, लेकिन ये है कौन मुझे पता लगाना पड़ेगा, पहले पता ये लगाना पड़ेगा मुझे आखिरकार मुझे कॉल करा तो करा किसने था। कैसे पता लगाऊं, एक काम करता हूं उसी नंबर पे कॉल करूं या फिर इस घर में पूछूं। हेलो कोई है क्या घर में? लगता है इसी घर से कॉल आया होगा जब इसके घर के सामने वो बॉडी है। बच्चे कौन है तू? अरे यार अंकल यार पुलिस वाले अंकल आ गए आप। अरे तूने कॉल करी थी क्या मुझे? अरे हाँ यार मेरे फिंगल भैया ने कॉल करी थी यार, जैसे ही मैं उठी ना यार तो सुबह सुबह यार हमारे घर के बाहर हमको ये बॉडी मिली जिसको यार किसी ने मार रखा है। अरे बेटा ये बता तू अंदर क्या कर रहा है ये? अरे यार पुलिस वाले अंकल यार कैसे पागल वाला सवाल पूछ रहे हो यार, ये मेरा घर है यार, मैं जहाँ मर्जी रह सकता हूँ। अरे बेटा तुझे ऊपर रहना चाहिए था समझ रहा है ना? अरे तो आ जाओ
यार अब ऊपर आ जाओ, क्या दिक्कत है यार। इतनी धूप हो रही थी ना इसलिए यार मैं नीचे चले गया। और ये यार पेड़ की छाया में ना मुझे डर लग रहा था कहीं ये पेड़ टूट के मेरी चांद पे ना गिर जाए। यार अगर मेरे सर पे गिरा ना पेड़ तो मेरे बहुत तेज लगेगी। पुलिस वाले अंकल जल्दी आओ। और ये कौन बेवकूफ है यार जो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके चल गया। ओए बच्चे उठा के पटक दूंगा तेरे को अगर मेरी गाड़ी पर लात मारी तो। अरे आपकी गाड़ी है क्या? आप यार पुलिस वाली गाड़ी में क्यों नहीं घूमते? मेरी मर्जी बेटा, जहाँ मर्जी घूमू जिस गाड़ी में घूमू, पता नहीं सब लोगों को मेरी गाड़ी से क्या तकलीफ है। अंकल यार आपकी गाड़ी तो काफी अच्छी है, एक बार चला दो। अरे वाह बेटा तूने मेरी गाड़ी की तारीफ करी, चल तू चला ले, लेकिन मैं भी बैठूंगा तेरे साथ। हाँ जाओ बैठ जाओ, लेकिन यार मुझे अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। अरे अंकल यार एक काम करो, आपने अपनी ड्यूटी कर लो और मैं यार आपकी गाड़ी चला लेता हूँ। अरे पागल है क्या तू, मेरा ध्यान भटका रहा है बेटा। अब तू ना मुझे ड्यूटी पे ध्यान दे दे। अब ये बता तेरे घर में बड़ा कौन है? अरे अंकल यार मेरे घर में ना फ्रैंकिल भैया है यार। जब बड़ा फ्रैंकिल भैया को जल्दी से उसने कॉल करा होगा। अरे हाँ उन्होंने कॉल करा था, लेकिन भाई वो तभी ड्यूटी पे चले गए। अरे ड्यूटी पे चले गया मतलब ऑफिस चले गया। अब मैं क्या करूँ, इस केस को कैसे सॉल्व करूँ अकेला? एक काम करता हूँ और अपने ऑफिसरों को बुलाता हूँ और यहाँ पे एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी जो कि ये एम्बुलेंस में बैठ के जा सके। लेकिन ये है तो है कौन, मैं कैसे पता लगाऊं? बच्चे तू मेरे सहायता करेगा? अरे मैं क्यों करूँ भाई सहायता तुम्हारी है यार, मैंने आज की स्कूल की छुट्टी करी है ताकि आज मैं खेल सकूँ। हाँ तो बच्चे तू जा, तू खेल मजे से। चलो अब चल के देखता हूँ मेरे प्रैंक में कितने लोग फंस गए। मैंने कल रात को ना एक स्टैचू फेंका था इस पहाड़ी पे, यहाँ पे तो पुलिस वाला लगा है, क्या करूँ जाऊँ क्या? चलो चल के बताते हूँ मैं प्रैंक करता हूँ। हेलो पुलिस वाले सर। अरे अरे पीछे रहे बेटा, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ एक बॉडी पड़ी है। अरे पुलिस वाले सर मैं प्रैंक कर रहा हूँ, ये बॉडी नहीं है, ये एक स्टैचू है। स्टैचू? अरे क्या स्टैचू? अरे क्या बोल रहे भाई साहब, ये स्टैचू है क्या? अले ऑल क्या, ये स्टैचू है, मैंने प्रैंक करा है। प्रैंक तुम लोग तो डर गए, प्रैंक है ये? अच्छा मतलब तू प्रैंक कर रहा है पुलिस वालों के साथ, अभी तेरे को बता दो। अरे छोड़ दो भैया गलती हो गई, ये ले। तूरी हिम्मत कैसे हुई तू हमारे साथ प्रैंक करेगा? यहाँ पे मेरी कितनी खोपड़ी खराब होगी, तेरे पैर पैर में गोली मारी मैंने, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं हमारे लॉस सैंटोस में। बताओ स्टैचू ला के यहाँ रख दिया, मैं खाली पीली डर रहा हूँ। अरे भैया यार मैं भी तो बहुत ज्यादा डर गया। चल बच्चे अब एक गिलास पानी पिला दे, बहुत तेज प्यास लग रही है, इसके तो सही गोली मारी मेरी। प्रैंक करेगा मेरे साथ, एक और गोली खा, इतनी गोली तो तेरे बरसानी जरूरी है, वरना तो कल को कहीं और जाके प्रैंक करेगा। अरे यार आज तो जल्दीबाजी के चक्कर में मेरी जॉब ही मेरे हाथों से चली गई। गाइस आपको पता है मैंने अपने बॉस से कहा था कि भाई जल्दी जल्दी यार पिज्जा बनवा दो, मैं डिलीवर करके अपने घर जाऊंगा जल्दीबाजी से। तो गाइस मेरे बॉस ने यार मेरी जॉब ही छीन ली, कह रहा कि अब तुझे जहां जाना है तो जल्दी जा, देर जा मुझे क्या मतलब। और गाइस आप सोच रहे होगे यार मेरी बाइक कहां चली गई? गाइस वो मेरी बाइक नहीं थी, गाइस मेरे बॉस की बाइक थी, उसने यार अपनी बाइक भी छीन ली। और गाइस ये जो आप साइकिल देख रहे हो ना भाई, अभी रास्ते में गाइस मेरे को सिंचन का दोस्त मिल गया, तो भाई मैंने उसकी साइकिल मांग ली। अब इसकी साइकिल से गाइस मैं घर पहुंचता हूं फटाफट से। और इसकी साइकिल कितनी बेकार है भाई, लगता है इसकी चैन वैन खराब हो रखी है, बहुत सिलो सिलो चल रही है। फटाफट से घर पहुंचते हैं और देखता हूं गाइस कौन आदमी था भाई जिसके चक्कर में मेरी जॉब चली गई। अरे गाइस अब तो वो पेड़ के नीचे है नहीं, लगता है भाई कोई पुलिस वाला आया होगा लेके चले गया। एक सेकंड भाई ये सब क्या हो रहा है घर के आगे? ओए सिंचन भाई ये सब क्या हो रहा है? अरे आगे फ्रैंकिल भाई यार जॉब से बड़ी जल्दी आ गए, मुझे लगा था यार रात का होगी डायरेक्ट पार्टी में ही आओगे। पार्टी किसकी पार्टी हो रही है सिंचन? अरे फ्रैंकिल भाई बहुत तगड़े सरप्राइज है, छत पे जाके देखो। अबे सिंचन ये मेरी टेरेस पे आखिरकार हो तो हो क्या रहा है भाई, बताना मेरे को, काफी एक्साइटमेंट हो रही है सुनने के लिए। अरे फ्रैंकिल भाई चलो मैं यार तुमको सब कुछ बताता हूँ। फ्रैंकिल भाई तुमको पता है यार वो जो हमारे घर के आगे यार वो जो आदमी पड़ा था वो ना यार कोई रियल आदमी नहीं था यार, वो ना यार स्टैचू था। क्या सिंचन वो रियल आदमी नहीं था? अरे नहीं था फ्रैंकिल भाई, वो ना एक स्टैचू था, एक आदमी यार हमसे प्रैंक कर रहा था। और आपको पता है फ्रैंकिल भाई यहाँ पर जो पुलिस वाला आया था ना फ्रैंकिल भाई, वो बहुत अच्छा है यार। उसने फ्रैंकिल भाई मुझसे बोला कि आज ना यार उनके बेटे का जन्मदिन है। जन्मदिन? अच्छा है संजय, हैप्पी बर्थडे आज उनके बेटे का। हाँ फ्रैंकिल भाई, तो उन्होंने बोला कि यार हमारी छत पे यार पार्टी वार्टी कर ले। तो फ्रैंकिल भाई यार मैंने ना यार हाँ कर दिया, तो फ्रैंकिल भाई वो ना यार तैयारी कर रहे हैं और रात को फ्रैंकिल भाई हमारी यार टेरिस पे यार पार्टी होगी। अच्छा संजय जाके देखो तो सही, चढ़ गया बहुत बढ़िया। अरे वाह यार यहाँ पर तो काफी सारे लोग आए हुए हैं। लेकिन एक सेकंड भाई वो पुलिस वाला शायद ये हेलो सर। अरे तू कौन है ये बता, नम्मी ने तुझे पार्टी में किसने बुलाया? अरे सर यहाँ पे कौन सी पार्टी हो रही है, ये मेरा ही घर है। अच्छा अच्छा तेरा ही घर है, तेरा नाम फ्रैंकिल है क्या? हाँ मेरा नाम फ्रैंकिल है भाई। अरे सिंचन ने भाई तेरी बहुत तारीफ करी। सर जी मैं क्या कह रहा हूँ? अरे नहीं सर आप मुझे सर क्यों कह रहे हो? अरे भाई मेरे आज बेटे का हैप्पी बर्थडे, तो आपकी छत पे हैप्पी बर्थडे बनाएंगे हम। हाँ तो ठीक है भाई बना लो, ये तो काफी अच्छी बात है। लेकिन सर जी मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे घर के नीचे भाई बहुत महंगी महंगी गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी में चला सकता हूँ क्या? अरे क्यों नहीं भाई, हम तुम्हारी छत पर यार हैप्पी बर्थडे बनाएंगे, तुम हमारी कार चलाओ, जहाँ घूम के आना है वहाँ घूम के आओ। बहुत बढ़िया गाइस, ये अपॉर्चुनिटी मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। सिंचन भाई चले घूमने? अरे यार फ्रैंकिल भैया इस खटारा साइकिल से मैं घूमने नहीं जाने वाला। अब सिंचन इस साइकिल से कौन घूमने जा रहा है? सिंचन भाई हम इन कार से घूमने जाएंगे। अरे फ्रैंकिल भैया किसने बोला तुमसे? सिंचन अभी मैं पुलिस वाले से पूछ के आऊँ, उसने बोला जौन सी कार से जाना है वो कार से हम घूमने जा सकते हैं। अरे तो फ्रैंकिल भैया चूज कर लो यार। अरे अरे गिर गया मैं, चलो कोई बात नहीं, खड़ा हो गया। अरे भाई देख के चला ले, चलानी नहीं आ रही गाड़ी क्या? तेरे से अच्छी चलानी आती है, जब मर्जी बिल्ली और रेस लगाएगा रेस। अबे जाना तेरे से,
रॉयल्स को लगा रहा है, भगा अपनी गाड़ी को। बढ़िया गाइस, देखो यहाँ भी रॉयल रॉयस कार आ गई, और गाइस ये देखो मेरे घर के आगे भी एक रॉयल रॉयस कार खड़ी है। एक काम करते हैं सिंचन, आजा भाई इसी से कहीं घूमने फिरने चलते हैं। अरे वाह बहुत उपी का, अरे फ्रेंकली भाई एक काम करते हैं सिंचन, हैप्पी बर्थडे तो शायद रात को ही मनाया जाएगा ना, जब तक सिंचन भाई बारी बारी करके ना सारी गाड़ियों से घूम फिर के आ जाते हैं। अरे हाँ सही कह रहे हो, रुक जाओ मैं भी आ रहा हूँ। आजा सिंचन फटाफट से भाई, आज तो सिंचन मजा ही आ गया। अभी सिंचन तुझे पता है वो जो मेरी जॉब थी ना भाई वो चली गई। अरे चली गई कहाँ चली गई, फ्रेंकली भाई इसके पैर थे क्या तुम्हारी जॉब के? अबे मतलब सिंचन भाई मैं ना रिटायर हो गया भाई अपनी जॉब से, मेरे सन ने सिंचन मुझे भाई जॉब से निकाल दिया। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंकली भाई, अपने कोई बढ़िया सी जॉब कर लेना यार, सुबह सुबह उठ के यार डेली मेरी और नींद खराब करते हो। अबे सिंचन मैं तो कभी सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता भाई, तेरी नींद मैंने कब खराब कर दी। अरे चलो वो सब छोड़ो फ्रेंकली भाई, ये बताओ कहाँ घुमाने ले जा रहे हो? सिंचन वैसे तुझे एक बात बताओ, ये जो जिस कार में हम बैठे ना भाई ये पूरे 10 करोड़ की कार है। अरे क्या 10 करोड़ की, इतनी महंगी कार चला रहे हम? और क्या सिंचन बहुत महंगी कार है। और सिंचन अब तू ही बता हम कहाँ चले। अरे फ्रेंकली भाई ये ठोक दी तुमने गाड़ी। अरे बाप रे सिंचन, अगर इस गाड़ी पे स्क्रैच आ गए होंगे ना तो भाई काफी महंगा नुकसान कर सकते हैं, लेकिन सिंचन इस पे तो बिल्कुल भी भाई स्क्रैच नहीं आया, मजे से चलाते हैं। और क्या चले फ्रेंकली भाई कहीं बढ़िया जगह घुमा के लिए। और तो ठीक है सिंचन अब तू बस बैठा रहा है, मैं तेरे को काफी ओपी जगह पे घुमा के लाता हूँ। और गाइस आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ गाइस यार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और गाइस बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जैसे गाइस सुबह हमारी वीडियो आएगी ना सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फाइनली गाइस अभी मैं और सिंचन अपनी लोकेशन पे तो पहुंच चुके हैं। अरे यार फ्रेंकली भाई यार ये कौन सी लोकेशन पे लेके आ गई यार तुम मेरे को? सिंचन भाई ये लोकेशन काफी ओपी है सिंचन, यहाँ पे बताया जाता है भाई हम जो विश मांगते हैं ना हमारी वो विश जरूर पूरी होती है। अरे पर ये साइड में दिख रहे फ्रेंकली भाई क्या है? किधर सिंचन? अरे उधर देखो फ्रेंकली भाई काफी सारे यार पौधे लगे हुए हैं। पौधे नहीं है सिंचन भाई? अरे हाँ यार यहाँ पर तो काफी पौधे हैं, लेकिन सिंचन यहाँ पर तो भाई आग लगी हुई है। अरे बाप रे आग लगी हुई है फ्रेंकली भाई यहाँ पर तो। एक सेकंड सिंचन ये सामने बंदा कौन है? अरे बाप रे भाई इसके अंदर से तो सिंचन भाई आग निकल रही है। अरे हाँ यार फायर निकल रहा है इसके अंदर से तो। ये है कौन भाई मेरे तो समझ नहीं आ रहा। हेलो भाई कौन हो तुम? अरे ये स्टैचू है क्या? लेकिन स्टैचू के अंदर से ये कैसे भाई आग निकल सकती है मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा। अरे फ्रेंकली भाई मेरे को तो डर लग रहा है यार, देखने कितनी तेज आग लगी हुई है यहाँ पे। अबे सिंचन कहाँ भाई इतनी तेज कहाँ आग लगी हुई है? जस्ट थोड़ी बहुत आग लगी थी देख वो भी बुझ गई, लेकिन मेरे ये समझ नहीं आ रहा ये बंदा कौन है। अरे बापरे अरे किसी ने जगाया मुझे यहाँ पे, गायब कर दिया मुझे तो मैंने। अरे बापरे भाई आप कौन हो यार? आपके तो 3-3 रुपए गए लेकिन मेरे फ्रेंकली भाई कहाँ गए? अरे बच्चे तो यार हमें परेशान करने कैसे आया, लगता है तुझे हमारे बारे में नहीं पता। अरे बाप रे भाई आप कौन है यार? यार मेरे फ्रेंकल भैया कहाँ गए? फ्रेंकल अरे मैं गिर कर चला हूँ, वो फ्रेंकल उसकी तो धूल चटा दी मैंने, उसकी हिम्मत कैसे ही मुझे धक्का दे रखी। उसे तो बेटा मैंने भेज दिया उसे जहाँ जाना था, अब तू यहाँ से चले जा नहीं तो तेरे अंदर भी आग लगा दूंगा। अरे भाई साहब यार कैसी बात कर रहे हो, प्लीज भाई मेरे फ्रेंकल भैया को वापस लेके आ जाओ। अरे फिर गिर गया मैं, फिर गिर गया हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरे ये समझ नहीं रहा। बच्चे तुझे बचना है, तुझे अपनी जान प्यारी है नहीं प्यारी ये बता मुझे। अरे यार मेरे फ्रेंकल भैया फ्रेंकल करे जा रहा है, रुक अभी लाता हूँ उसको अपने सामने। ये ले आ गया ये मेरे सामने। अरे वह फ्रेंकल भी आ गया, लेकिन यार ये जेल में कैद क्यों है? अरे जेल में मैंने कैद कराया क्योंकि इसने मुझे टक्कर मारी थी। अरे भाई प्लीज मेरे को छोड़ दे भाई, प्लीज मेरे साथ ऐसा क्यों करा? अरे मैं फंस गया जाल के अंदर, जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा। अरे भाई लेकिन आप हो कौन, आपने मेरे को ऐसे जेल में बंद क्यों कर रखा है? कितनी बार बताऊ तूने मुझे टक्कर मारी थी इसलिए मैंने तेरे को जेल में बंद कराया, लेकिन तुम यहाँ आए क्यों थे? तुम्हारी तो मैंने गाड़ी तक जला दी, तुम यहाँ आए तो थे लेकिन अब जा नहीं पाओगी। अरे भाई साहब यार हमने सुना यार यहाँ पे आज जो भी आते हैं ना उसकी विश पूरी हो जाती है। अच्छा लगता है ये अखबार तुमने भी सुनी है, ये सब बेटा अखबार ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी कर सकता हूँ। इन बेचारों की मैंने गाड़ी और जला दी, तुम यहीं पे वेट करो अभी मैं तुमको एक मैजिक दिखाता हूँ, ये गाड़ी सही हो जाए जैसी पहले थी। अरे वाह ये गाड़ी तो सही हो गई लेकिन पहले जैसी तो नहीं हुई, चलो कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह फ्रेंकली भाई पीछे देखो यार। हाँ सिंचन मैंने भी देखा भाई, ये सामने आ जाए। अरे बाप रे ये कैसे हुआ यार फ्रेंकली भाई? हाँ सिंचन हम तो एकदम इसके सामने आ गए। अरे मैं बता रहा हूँ ना मेरे अंदर काफी सारी ओपी ओपी पावर है बेटा, मैजिक पावर है मेरे पास। अरे भाई आपके अंदर जो भी मैजिक पावर है प्लीज भाई हमको छोड़ दो, हम आज के बाद कभी आपके अड्डे पे नहीं आएंगे। अरे मेरा अड्डा नहीं है आज के लिए, बस मैं यहाँ पे मेडिटेशन करने आया था लेकिन तुमने मेरी मेडिटेशन भंग करी इसलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाया, लेकिन मुझे तुम दिल के काफी साफ लगे इसलिए बेटा मैंने तुम्हें अपनी मैजिक पावर दिखाई। चलो बेटा अब एक काम करो, गिर गया फिर से। अरे भाई तूने मेरे को गिरा दिया, सॉरी बेटा सॉरी। अरे नहीं भाई आप सॉरी मत मांगो, आप मेरे को काफी अच्छे लग रहे हो बेटा, मैं तेरे हाथ में
रिमोट दे रहा हूँ, फिर तू जो सोचेगा तेरे पास आएगा। क्या कर रहे हो, रिमोट दे रहा हूँ? अबे सिंचन वो कहाँ गया? अरे फ्रेंगल भाई वो तो गया गया, हाथ में कैसा रिमोट आ गया? सिंचन भाई वो ये बोल के गायब हुआ है कि भाई ये मेरे रिमोट दे के जा रहा है और सिंचन मैं जो सोचूंगा वो मेरे पास आ जाएगा। फिर कुछ सोचे मेरे कपड़े चेंज हो जाए? और सिंचन भाई मेरे तो कपड़े चेंज हो गए। अरे वाह फ्रेंगल भाई यार, और कुछ सोच के देखो। आ सिंचन भाई गाड़ी में बैठ फटाफट से, एक सिंचन सेफ लोकेशन पे चलते हैं और वहां पे चल के सिंचन और कुछ सोच के देखें, क्या पता वो भी अपने सामने आ जाए। अरे हाँ सही कह रहे फ्रेंगल भाई यार। सिंचन भाई पहले तो मेरे को काफी डर लगा, अचानक से सिंचन भाई उस बंदे ने मेरे को गायब कर दिया और मेरे कपड़े भी छीन लिए। अरे फ्रेंगल भाई यार डर तो मुझे भी लगा था, लेकिन फ्रेंगल भाई बाद में यार उसने तो हमको यार ओपी वाली पावर दे दी। हाँ सिंचन भाई ये इसने हमको एक रिमोट दिया है, इस रिमोट के जरिए सिंचन भाई मैं जो सोचूंगा ना वो मेरे सामने आएगा। चले तो जल्दी जल्दी चले फ्रेंगल भाई सेफ लोकेशन पे, वहां पे चल के फ्रेंगल भाई बहुत कुछ सोच लेना। सिंचन वैसे यहाँ पे मेरे कोई सेफ लोकेशन तो लग नहीं रही, एक काम करते हैं सिंचन आ जाए इस साइड, यहीं पे कुछ सोच के देखते हैं। सोचे फ्रेंगल भैया यहाँ पर एक काफी बड़ा घर बन जाए। और वाह सिंचन एक सेकंड के अंदर भाई इतना बड़ा घर बन के तैयार हो गया। अरे वाह फ्रेंगल भाई यार ये रिमोट तो काफी ओपी है। बढ़िया सिंचन भाई, अब मैं यहाँ पे क्या सोचू? क्या सोचना चाहिए सिंचन? अरे कुछ भी सोच लो फ्रेंगल भैया, जो सोचेगा यार वो तो हमारे पास आ ही जाएगा। एक काम करते हैं सिंचन भाई, एक ना यहाँ पे गुफा बनाते हैं काफी तगड़ी। अरे हाँ यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, चले काफी तगड़ी गुफा बनाओ। हाँ सिंचन एक गुफा बनाते हैं, फिर उसके अंदर सिंचन हम बहुत कुछ मांगे भाई। यहाँ पर एक काफी बड़ी गुफा बन जाए। अरे ये कैसी गुफा बन गई गाइज, ये तो काफी ओपी गुफा लग रही है। फ्रेंगल भाई यार अभी काम करो, इसके अंदर ना यार हमको जो कुछ चाहिए ना वो कुछ मांग लो। बढ़िया सिंचन भाई, कहीं ये रिमोट हमारे हाथ में से गायब ना हो जाए। उससे पहले सिंचन भाई यहाँ पर ना हम बहुत कुछ मांग लेते हैं। हाँ यार बहुत कुछ मांग लो, अमीर हो जाते हैं फ्रेंगल भाई बहुत जल्दी, कहीं ये पावर खत्म ना हो जाए। सही कह रहा है सिंचन भाई, एक बार सिंचन हम अमीर हो गए ना तो सिंचन भाई मेरे को तो कोई घटिया जॉब करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। उसके बाद सिंचन बंगला गाड़ी सब कुछ खरीद लेंगे। अरे खरीद क्यों रहे हो यार, एक बार में ही मांग लो ना फ्रेंगल भाई बहुत सारी चीजें। तो फाइनली गाइस अभी पूरे 2 घंटे बीत चुके हैं और गाइस 2 घंटे के अंदर देखो भाई मैंने क्या क्या सोचा वो सब कुछ गाइस मेरे सामने आ चुका है। यहाँ पर गाइस काफी सारी सुपर कार मांगी है, फिसल गया भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। ओए सिंचन भाई कहाँ है तू? अरे फ्रेंगल भाई नीचे हूँ यार, मैं तो गाड़ियां गिनना हूँ, आपने कितनी सारी गाड़ी मांगी? सिंचन भाई मैंने ना बहुत महंगी महंगी गाड़ी मांगी है, यहाँ पर ना सिंचन भाई 10 करोड़ की भी गाड़ी है। अरे हाँ फ्रेंगल भाई एक कार भी 10 करोड़ की है? हाँ मैं भी तो सिंचन वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे सिंचन लगभग जितनी भी गाड़ी होंगी ना उनकी कीमत लगभग सिंचन भाई 1,000-2,000 करोड़ रुपए होगी। हाँ भाई बहुत महंगी महंगी कार है। और ये वाली गाड़ी गाइज आप देख रहे हो ये गाइज हवा में उड़ती है, ये देखो भाई काफी ओपी कार है गाइज ये। और गाइज यहाँ पर मैंने काफी सारा भाई गोल्ड भी मांग रखा है और अभी गाइज ये रिमोट मेरे हाथ में से गायब नहीं हुआ भाई, अभी तो मैं और कुछ भी मांग सकता हूँ। चलो गाइज आपको ना ये वाली कार एक बार हवा में उड़ा के दिखा देता हूँ। और यार सिंचन का बच्चा तो अभी उस गुफा में ये, चलो कोई दिक्कत नहीं सिंचन को तो मैं बाद में उठा लूंगा। ये देखो भाई क्या बढ़िया हवा में उड़ रही है, लेकिन भाई अभी सही से ये कार हवा में उड़ी नहीं है। अभी रुको गाइज उड़ा के दिखाता हूँ। अरे यार उड़ जा, कैसे उड़ेगी? लगता है यार मेरे को आता नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं गाइज, ये भी मैं उड़ानी जल्दी सीख ही लूंगा। जस्ट हल्की हल्की जंप तो ये मार रही थी, चलो कोई दिक्कत नहीं गाइज, ये भी मैं सीख ही लूंगा। ये देखो भाई अभी उड़ी हवा में, बहुत बढ़िया काफी ओपी कार है। अब मैं ना यार सिंचन को भी बिठा के एक बार हवा में उड़ाऊंगा इस कार को, जाके सिंचन को भी गाइज काफी अच्छा लग सके। और गाइज अभी मैं तो सच में गाइज काफी ज्यादा खुश हूँ, एक टाइम था गाइज जब हमारे पास कुछ भी नहीं था और गाइज आज देखो यार अपने पास कितनी सारी गाड़ी का सब कुछ है। और गाइज मेरे पास अब तो एक यार हाथ में रिमोट भी है, जिसकी वजह से गाइज मैं जो सोचूंगा वो मेरे सामने आ जाएगा। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइज, फ्रैंकल सिंचन आपके भाई, तो यार फटाफट से गाइज अभी के इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, फटाफट से कर दो यार। मिलते हैं गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब ले गाइज प्यार वाला बाय।